The centre has deployed paramilitary forces in strife-torn Haldwani in Uttarakhand. Four other companies of paramilitary forces will also reach Haldwani in some time, is the latest which is coming in. Remember, there was violence in the area, and after which five people had died. Now, this is after the state government had asked for more forces as far as the security situation is concerned. The internet services in Haldwani have been restored, but there is tension still remains on the ground. Let me bring in my colleague Ravish, who was on the ground in Haldwani. In fact, Ravish, abhi kya halat hain wahan par? Kal aapne ek jo report dikhai thi, jisme allegation tha ki ek pita putra ko maar diya gaya, police ki goli se unki maut wahan par ho gayi. To kya abhi puri tarike se jo zameen par sarkar ke niyantran mein, suraksha agencies ke niyantran mein hai situation, ya abhi bhi wahan pe mahol tanavpurn hai? देखिए अंकित, हल्द्वानी के अगर बात करें तो हल्द्वानी में हालात अब सामान्य हो गए हैं आप कह सकते हैं, लेकिन जो हल्द्वानी का एक इलाका है बनफूलपुरा, जहां पर ये गुरुवार को शाम को हिंसा हुई थी, वहां पर अभी हालात जरूर जो है पुलिस के नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण है। यही वजह है कि उत्तराखंड की जो सचिव हैं उन्होंने केंद्र सरकार से 5 कंपनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की होती है उन्होंने मांगी है, और आज एक कंपनी पहुंची भी है। चूँकि बहुत सारे लोग इस पत्थरबाजी में, इस उपद्रव में शामिल थे, तो यही वजह है कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को ज़्यादा डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि कई लोगों की धरपकड़ हो रही है, कई सारी टीमें बनाई गई हैं, और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको कतई छोड़ा नहीं जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। एक जांच भी हो रही है, न्यायिक जांच भी हो रही है उसमें भी, और सारे जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, मसलन सीसीटीवी जो वीडियोस हैं, उनको भी जांचा जा रहा है कि क्या कोई बाहरी लोग आए हुए थे और फिर उन्होंने पेट्रोल पंप और इसके बाद में पथराव किया। तो ये सारे जो है वो काफ़ी विस्तार से जाँच हो रही है। यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत ही कम ज़मीन पर बहुत ज़्यादा सघन आबादी है। आप बोल सकते हैं कि जो है 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, तो ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जैसे जैसे ये जाँच आगे बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों से पूछताछ होनी है, तो ऐसे में कहीं फिर से कोई हिंसा न हो जाए, इस बारे में अब प्रशासन के लोग एहतियात बरत रहे हैं। यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जा रहा है, क्योंकि बनफूलपुरा से सटे 2 इलाके हैं, वहाँ भी संवेदनशील है मामला, और यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं। Ravish, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट वॉज माई कॉलीग रवीश, इन फैक्ट ही वॉज ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग फ्रॉम द वेरी एरिया विच सॉ द मैक्सिमम वायलेंस एज फार एज हल्द्वानी इज कंसर्न।